एक तरफ शहर में आए दिन आरोपी गांजा की तस्करी बड़े पैमाने पर कर रही है, तो वही क्राइम ब्रांच और गांजा तस्कर को रंगे हाथ फिल्म स्टाइल में ऑटोमेटिक चौक पर थर दबोचा गया है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं ऐसी एक घटना की जो कपिल नगर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ऑटोमेटिक चौक पर हुई है। क्राइम ब्रांच ने गांजा की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच की जा रही है। कपिल नगर पुलिस के हद में आने वाले ऑटोमोटिव चौक से सिल्वर कलर के एक चार पहिया वाहन से गांजे की तस्करी के लिए आरोपी जा रहे हैं, ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच को मिलते ही पुलिस ने फिल्म स्टाइल में ऑटोमेटिक चौक से आ रहे सिल्वर कलर की चार पहिया वाहन क्रमांक MH19BU5003 को रोककर वाहन की तलाशी ली गई। इस इनोवा कार से 72 किलो 398 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 10,85,970 और मोबाइल इनोवा कार की कीमत 9 लाख, ऐसा कुल मिलाकर 20,31,970 रुपयों का माल क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है। इस घटना में लिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें कोर्ट में पुलिस ने पेश किया है। बाइट सार्थक नेहते, PI क्राइम ब्रांच। पंजाब को नशा पट्टी का राज्य कहा जाता है, लेकिन राज्य के नागपुर में आए दिन धड़ल्ले से गांजा तस्करी हो रही है। चोर पुलिस के इस खेल में आखिरकार गांजा तस्कर पर कार्रवाई होते दिख रही है। सकाळी आपण त्यांना एक इनोवा कार आहे NH19 जळगावपासूनची, त्या कारमधून आपण 2 आरोपी आणि जवळपास 72 किलो गांजा जप्त केलेला आहे। त्या 2 आरोपींना त्या ठिकाणी विचारपूस करता त्यांची 3 साथीदार हे बुटीबोरी येथे एका हॉटेलमध्ये थांबलेले होते। आपण तत्काळ एक पथक त्या ठिकाणी पाठवलं आणि इतर 3 आरोपींना आपण ताब्यात घेतलं। या गुन्ह्यात आतापर्यंत एकूण 5 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। 2 आरोपी याच्यामध्ये फरार आहे, जे छत्तीसगड येथील आहे। या गुन्ह्यात आपण गांजा 73 किलो गांजा, इनोवा गाडी आणि 6 मोबाईल असं एकूण 20,31,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। क्राइम ब्रांच से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मेरे की रिपोर्ट, IPCN न्यूज़ नागपुर।